लेट्स डिस्कस अबाउट बेकल प्लेक्सस। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आज मैं इसे बनाना सिखाता हूँ कैसे बनता है। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये रूट्स होते हैं। ये रूट्स के हम सिंपल लाइंस ड्रॉ करेंगे, सब से एक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, C5 एंड C6 को रूट को मिला देंगे, C8 एंड T1 रूट को मिला देंगे, एंड C7 को हम ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे, उसको अकेला छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये कौन कौन सी रूट हो गई, ये रूट्स हो गई। दिस इज अपर रूट, मिडिल रूट एंड लोअर रूट। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रंक्स की। ट्रंक्स जो होती हैं क्या होती हैं, जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या बना, ट्रंक, अपर ट्रंक। इसे एक्सटेंड किया तो मिडिल ट्रंक, एंड इसे एक्सटेंड करेंगे तो लोअर ट्रंक। ठीक है, फिर ट्रंक के बाद क्या होता है, हमने इस ट्रंक से डिविजन्स किए, इन सब के डिविज़न कर दिए, एंटीरियर डिविज़न एंड पोस्टीरियर डिविज़न। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर डिविज़न, ये हो गया पोस्टीरियर डिविज़न, ये हो गया एंटीरियर डिविज़न, ये हो गया पोस्टीरियर डिविज़न, ये हो गया एंटीरियर डिविज़न, ये हो गया पोस्टीरियर डिविज़न। हमने क्या किया इस बार, हमने सारे के सारे पोस्टीरियर डिविज़न एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिए। कर देंगे क्या, पोस्टीरियर डिविज़न पे कंसंट्रेट किए, और ये कंटिन्यू जब किया तो उससे हमें क्या मिली, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड मिली। फिर हमने क्या किया, एंटीरियर डिविज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक, हमने इन्हें ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गई, लेटरल कॉर्ड। ठीक है, और हमने इसे एंटीरियर डिविज़न ऑफ लोअर ट्रंक को एक्सटेंड किया तो उससे हमें क्या मिल गया, मीडियल कॉर्ड। इजी। एक और हमें यहाँ पे याद रखना है, जो लेटरल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है एंड मीडियल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है, और वो क्या बनाती है, मीडियन नर्व। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है ये। फिर बाकी बची हुई ब्रांचेस क्या क्या होती हैं हमारे पास, ये पता होना चाहिए। बाकी ब्रांचेस होती हैं इसके लिए LML ब्रांचेस होती हैं, जो टर्मिनल ब्रांच होती है वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है। ठीक है, यहाँ तक पता लग गया। पोस्टीरियर कॉर्ड की कौन सी होती है, अल्ट्रा, ULTRA। ठीक है, बट उसमें RA जो होती हैं टर्मिनल ब्रांच होती हैं, जो सबको पता है, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। ओके, जो मिडिल कॉर्ड होती है उसकी M4U, यू इज अल्नार नर्व। ईजी। ठीक है, अब हम इनके कॉर्ड के नाम किस बेसिस पे डिसाइड किए थे, हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में लेटरल कॉर्ड इज द लेटरल साइड एंड मीडियल कॉर्ड इज द मीडियल साइड एंड दिस पोस्टीरियर कॉर्ड इज जस्ट पोस्टीरियर टू दिस एक्सिलरी आर्टरी। ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इनकी ब्रांचेस की। रूट से एक आर्टरी नर्व निकलती है, उसका नाम होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, ठीक है, फिर हम ये कंटिन्यू करते हैं, ये सब से मिलके बनती है, ये कौन सी होती है, लॉन्ग, इतनी लंबी है दिख रही है, तो इसका नाम हुआ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसे सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है सिरेटस एंटीरियर को। सिरेटस एंटीरियर इज रेस्पॉन्सिबल, इफ डैमेज होगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व का तो सिरेटस एंटीरियर की वजह से क्या हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इनके निमोनिक एक बार देख लीजिए आप, ये इसके निमोनिक। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, अल्ट्रा बताई थी मैंने, मीडियल कॉर्ड की M4U एंड लेटरल कॉर्ड की LML, लव मी लूसी। वाह, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज। ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये पता होना चाहिए। हमारे पास पहली इंजरी हो गई जो अभी बताया था मैंने, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की, वो सिरेटस एंटीरियर जाती है, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है।
एंड फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, अपर ट्रंक, जब अपर ट्रंक की इंजरी होती है तो उसकी वजह से अब्स पैरालिसिस हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जब लोअर ट्रंक की इंजरी होती है इसकी वजह से हमारे पास कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है, ठीक है। अब्स पैरालिसिस आप सबने देखा होगा कैसा दिखता है बच्चा, ये देखिए ये अब्स पैरालिसिस है ऐसे। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं, कंप्लीटली एडक्टेड, बेबीज इन कंप्लीट एडक्शन, कंप्लीट एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, इजी, ओके। देन हम बात करते हैं कि ये इंजरी कब होती है, जब हाइपर एक्सटेंशन होता है, जब ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से इंजरी हो सकती है, इसकी वजह से अब्स पैरालिसिस हो सकता है। देखिए बच्चे अब्स पैरालिसिस का शिकार हो गया, ये देखिए एक और एग्जांपल, ये रहा, ये डिलीवरी क्या हो रही थी उस टाइम पे इंजरी हुई थी, अब्स पैरालिसिस हुआ। ओके गाइस समझ में आया है, सेशन एंड करता हूँ मैं यहाँ पे।